जय हिंद। यदि आप हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, ग्राम सचिव की, कैनाल पटवारी की, तो ये वाली पीडीएफ आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है, टॉप एमसीक्यू हैं। कौन से सब्जेक्ट के हैं वो देख लिए। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन इसमें हैं, हरियाणा करंट अफेयर से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन इसमें हैं। और देखिए, यहाँ पर आपके जो भी पटवारी से संबंधित यानी भू राजस्व और ये भूमापन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसमें कवर किए गए हैं। 5000 क्वेश्चन कम नहीं होते, आपके सभी क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे, सारा सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर हम करवा ही रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप ये वाली पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी प्राइस ओनली 120 रुपये है, 120 रुपये में कुछ नहीं आता। और पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ये वाला नंबर है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये वाली पीडीएफ आप ज़रूर ले लेना, अगर आपको पास होना है। क्योंकि 5000 क्वेश्चन में हमारी जो है पूरी बुक ही कंप्लीट हो जाती है, इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं 5000, वो भी एमसीक्यू। सो गाइज, अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, नारायण मूर्ति। सबसे पहले ये समझिए कि जो इन्फोसिस है वो है क्या। ये एक लिमिटेड बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर भारत में है। ये सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी डेक कहाँ अवस्थित है? तो सी डेक जो है आपका रतनगिरी में स्थित है। सी डेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी सी डेक एक प्रगत संगणन विकास केंद्र है, और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट है, सी डेक स्थापना कब हुई थी? तो सी डेक की स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, 1991 में। देखिए, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो है परम 8000, ठीक है, और 1991 में इंडिया में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा परम 8000, जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा डी, परम अनंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इनको मैं थोड़ा डिस्कस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक टॉपिक अब हमारा परम आया है ना, तो परम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने इसमें जो है डिस्कस कर दिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NPSF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इसने पूछा है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ अवस्थित है? आठ में राइट आंसर होगा ए, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी डेक कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी DOCR, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NMRC सी डेक का एक अंग है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। अब देखिए, NMRC से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। NMRC ने भारत का पहला क्लाइंट सर्वर मल्टीमीडिया रिपोजिटरी प्रारंभ किया है, उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ए, NMRC पोर्टल। अब देखिए, NMRC के बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया, अब पोर्टल का समझ लीजिए कि पोर्टल क्या है। पोर्टल एक इंटरनेट है, इसका अर्थ है प्रवेश द्वार। इंटरनेट से जुड़ने के कई तरीके होते हैं जिन जो है पोर्टल में मिलते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार NMRC जूनियर इंजीनियर भर्ती, तो इस तरह के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NICNET उपग्रह आधारित नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक गांव, शहर और जिलों के आंकड़े जमा करता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, इसका जो हमारा राइट आंसर ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, दिल्ली के अंतर्गत है। 1976 में दिल्ली में ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी विभाग से संबंधित है, जो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन
कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1946 में जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो पेंसिल्वेनिया ने 1945 में बनाया था, और कौन सा था? हमारा एनिक था, ENIAC। और एनिक की फुल फॉर्म मैंने आपको नहीं बताई थी, हर बार मैंने क्वेश्चन में एनिक का नाम लिया है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में आई थी प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा सी, HEC 2M। अब ये समझिए कि जो HEC 2M है ये है क्या? 1956 में जब ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आ जाए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, तो ये तो आ ही रहा है HEC 2M, ठीक है, ये स्थापित किया गया था 1956 में। अब देखिए HEC 2M की फुल फॉर्म समझिए, ये जो है एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसको हम बोलते हैं HEC 2M, यानी होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है होलेरिथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HEC 2M। अब इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे HEC 2M से जुड़े हुए। इसका निर्माण किसने किया था? तो AD बूथ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HEC 2M का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, बायरबेक कॉलेज के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HEC 2M का भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HEC 2M का जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1K। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HEC 2M का किस किस्म का कंप्यूटर था? तो ये हमारा जो है वाल्व आधारित कंप्यूटर है HECM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में दूसरा कंप्यूटर कब आया था? तो भारत में दूसरा कंप्यूटर आया था आपका 1958 में। देखिए 1958 में जो ISI URL नामक एक अन्य कंप्यूटर स्थापित किया गया था जो आकार में क्या था, थोड़ा सा बड़ा था कौन से कंप्यूटर से? इससे पहले मैंने आपको बताया था HEC 2M जो क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर था, और इससे थोड़ा सा बड़ा था जो दूसरा कंप्यूटर आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में आए थे दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि यूराल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में आए थे दूसरा कंप्यूटर कहाँ से आया? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूराल नामक कंप्यूटर के लिए आर्थिक मदद किसने दी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र तकनीक सहयोग ने जो है इसकी आर्थिक मदद की थी। नेक्स्ट है भारत में आए थे दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है TIFRAC किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, TIER ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो TIER है इसको हम और क्या बोलते हैं, टेफर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको स्टार्ट किया गया था कब? 1955 में। जो ट्रैफिक है उसमें क्या होता है, जो आसानी से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है TIFRAC कैलकुलेटर कहाँ बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है TIFRAC कैलकुलेटर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? राइट आंसर होगा डी, 1959 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। देखिए समझिए थोड़ा, ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं ना वो एनालॉग और जो भी डिजिटल होता है दोनों तरह के कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उससे उस इनमें होती है, ऐसे कंप्यूटर में यानी उसकी क्षमता से युक्त होते हैं उन्हें। ये जो कंप्यूटर होते हैं उनमें हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण की एक डिजिटल और एक एनालॉग दोनों तरह की, मैंने बोला था दोनों तरह उससे युक्त होते हैं यानी दोनों तरह की सुविधाएं होती है, अगर अपनी भाषा में कहें तो भी दोनों तरह की सुविधाएं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है 30 में, हमारा आंसर होगा सी, यानी कि परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। जो परम मैंने आपको बताया था, पहला कंप्यूटर परम
जो इसके आगे 8000 आएगा, यानी परम 8000 है। और ये कब, 1991 में बनाया गया था, और ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत ने बनाया था। नेक्स्ट है सबसे छोटे एकल प्रयोक्ता यानी सिंगल यूजर कंप्यूटर का सीपीयू है। राइट आंसर होगा मिनी प्रोसेस। देखिए मिनी प्रोसेसर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर प्रचलित जो भी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन या फिर जो भी मेन फ्रेम होती है उनके बीच में आता है, कौन, मिनी प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जानकारी के लिए की एनकोडिंग और डीकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाहक संकेतों को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, तो वह कौन सा है, तो वो हमारा मोडेम है। मोडेम क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को केबल या फिर आपके जो भी टेलीफोन होते हैं उनके माध्यम से जो है डेटा भेजने के लिए किया जाता है, मोडेम का यूज। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल है वो ज्वेलरी वाला आर्टिफिशियल नहीं है, ये वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका अर्थ है कि एक मशीन जो होती है उसमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया गया है जिसमें कंप्यूटर की सोच जो है इंसानों की तरह बन सके। तो इसका जो 33 का हमारा राइट आंसर होगा सी, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित होते हैं। 34 में हमारा डी यानी कि ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले ये समझिए कि जो ट्रांजिस्टर है वो होता क्या है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अर्धचालक को एक ही प्रकार के अर्धचालक के बीच यानी केंद्र में रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, प्रारंभिक कंप्यूटर का उपयोग करते थे जो कि बहुत बड़ी यानी कभी कभी कमरे के आकार की होती थी और केवल व्यवसाय और विश्वविद्यालय या फिर सरकार के पास जाते थे, तो इसमें राइट आंसर होगा डी यानी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसे अब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो लॉजिक सेक्रेटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पहला डिजिटल कंप्यूटर तथा जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो वो है हमारा एनिक। एनिक के बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री दे दी है आपको, पहले आप देखोगे तो क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान को कंप्यूटर की रीढ़ के रूप में जाना जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न कंप्यूटर इकाइयों के बीच विभिन्न कार्यों के समन्वय में मदद करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, जो भी इनपुट डिवाइस हैं उसके डेटा और जो भी निर्देश हैं उनको रीड करने के लिए निर्देश देता है, कौन, कंट्रोल यूनिट। और जो भी मेमोरी होती है और जो भी उसमें एड्रेस होता है उसको भी बताता है, और जहाँ पर ये इनपुट किए गए हैं उनके डेटा और निर्देश जो है उनको स्टोर भी करता है, तो ये पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को नियंत्रित करता है, कौन, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से संदर्भित डिवाइस को पहचाने, यह डिवाइस अन्य डिवाइसेस को फंक्शनलिटी प्रदान करता है, यह काफ़ी कम्यूट्रम को जोड़ता है और प्रिंटम इंटरनेट फाइल्स और प्रोग्राम जैसे स्रोतों में प्रवेश प्रदान करता है, तो वो एक ही है हमारा क्या, सर्वर। तो हमारा सर्वर क्या होता है, देखिए सर्वर को समझिए पहले। सर्वर होता है वो एक हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है। इसे जो है जो भी क्लाइंट होता है उसकी वो किस तरह की डिमांड करता है उसी तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है कि वो हार्डवेयर की करता है या सॉफ्टवेयर की करता है, जैसे जिसको हम सर्वर ही बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर को किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है चालू रख सकता है। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये इसका होगा हमारा चार्ल्स बेबेज। कुछ क्वेश्चन मैंने 10-15 क्वेश्चन जो है वन लाइनर रखे हैं, ये उस तरह के क्वेश्चन है जो हमारे थ्योरी से उठाए जाते हैं। अब आप देखोगे कि जो क्वेश्चन मैंने पीछे करवाए हैं ना उनसे रिलेटेड, मतलब हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन वहीं घूम फिर के आ रहे हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। एक निबल किसके बराबर होता है, 4 बीट के बराबर होता है। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बग कहते हैं यानी एरर। ये क्वेश्चन मैंने पहले 4 ऑप्शन से करवाया था,
वन बाइट कितनी बीट के बराबर होती है? 8 बीट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कियार्ड गर्ल्स एंजेल बर्ट ने। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनिक। नेक्स्ट है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो वह ब्राउजर। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो वह सुपर कंप्यूटर। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है? तो वह जॉन मैकार्थी। कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो वह हेलियन टूरिंग। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम एंड रोम। इंटरनेट में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? जावा। जावा एक लैंग्वेज है, पहले भी मैंने समझाया है इसके बारे में। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? DPI। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, ये भी मैंने समझाया है। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जानते हैं? प्रोग्राम के नाम से। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? फोर्ट्रॉन। इसके बारे में भी बताया। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। काफ़ी अच्छे से समझाया था मैंने सेकंड वीडियो में। www. किसने बनाया था? टीम बर्नर ली ने। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? एरपिंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो ये ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? क्रैश। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये भी मैंने बताया हुआ है। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो वाइड एरिया में संचार उपग्रह का। जब मैंने लैन वैन और ये सब समझाया था ना, तो उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट है, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। EDP का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है और सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है। नेक्स्ट है, एबेक्स किस देश में विकसित हुआ है? एबेक्स चीन में विकसित हुआ है। नेपियर बोन्स इनमें से क्या कर सकता था? तो ये सभी कर सकता था, घटा भी कर सकता था, गुणा और भाग, ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे एंडिंग मशीन बोला जाता है? एंडिंग मशीन, तो वो बोला जाता है पास्कल लाइन को। पास्कल लाइन क्या होता है? ये सबसे पहला यांत्रिकीय जो गणना यंत्र है, यानी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पास्कल लाइन के बारे में अब पढ़ेंगे हम थोड़ा। पास्कल लाइन की खोज जो है वो किसने की थी? तो ब्लेज पास्कल ने की थी। पास्कल लाइन की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1642 में हुई थी, ठीक है, 1642 में। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पितामह कौन थे? चार्ल्स बेब्ज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन कब बना था? तो 1822 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण कब हुआ था? तो ये आपका 1833 में हुआ था। किसका? एनालिटिकल इंजन का निर्माण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला प्रोग्राम जो कंप्यूटर है तो वह कौन सा है? तो वह है आपका इडविक, 1952। नेक्स्ट हमारा इडविक के बारे में मैंने बताया है पहले, पूरी इसकी हिस्ट्री बता रखी है इडविक की। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? तो प्रेसपर एकर्ट जॉन मोसले ने बनाया था। एनिक के बारे में भी मैंने सब कुछ बता रखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वह है हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो क्या? डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ATM क्या होते हैं, यानी ATM की फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पर ATM क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ATM क्या होता है, यानी बिना स्टाफ के नकदी देना क्या कहलाता है? ATM कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग का
अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो भी जानकारी होती है उसको तैयार करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो सबसे जो इडविक होता है ना, यहाँ पर जो मैंने बोला था ये क्वेश्चन था इडविक वाला, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, यहाँ पर देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आया था हमारा कंप्यूटर, ये हमने एटीएम डेटा प्रोसेसिंग जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। नेक्स्ट हमारा है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह क्या है? तो वह हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो डेटा और जो भी निर्देश होता है उनको रीड करने के लिए निर्देश देता है, और जो भी मेमोरी होती है, जो भी एड्रेस होता है उसको बताता है, और जहाँ पर इनपुट किए गए जो भी डेटा और निर्देश उनको स्टोर करता है, और ये पूरे कंप्यूटर को सिस्टम जो है उसको नियंत्रित करता है। तो ये थे हमारे 86 क्वेश्चन, और क्लास अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।